आज हम बी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत विष्णु सूक्त का अध्ययन करेंगे। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसमें 6 मंत्र हैं। इसके देवता विष्णु हैं, ऋषि दीर्घतमा है और छंद त्रिष्टुप है। विष्णु सूक्त में विष्णु देवता की स्तुति की गई है और विष्णु देवता भी ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से एक माने गए हैं। उनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऋषि ऋग्वेद के जो ऋषि है वो अपने सभी देवताओं को समान गुणों से मंडित करते हैं। ऋषि जिस भी देवता से प्रभावित होते हैं उसे ही सर्वोच्च गुणों से मंडित कर देते हैं। सभी देवताओं को वे प्रकाशमान, शक्तिशाली, सर्वव्यापक और कामना वर्षी कामनाओं की पूर्ति करने वाले इत्यादि गुणों के रूप में प्रतिपादित करते हैं। यहाँ विष्णु देवता को समस्त लोकों का निर्माता, उनका रक्षक और अत्यंत शक्तिशाली रूप में ऋषि ने प्रतिपादित किया है। विष्णु विशली व्याप्तौ, इस व्युत्पत्ति से यह विष्णु शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है सर्वव्यापक, अर्थात विष्णु की कण कण में सत्ता व्याप्त है और इसी रूप में उसे सूर्य का वाचक भी कहा गया है, सूर्य भी बताया गया है और उसी विष्णु की किरणें सर्वत्र पृथ्वी लोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक में फैलती है। समस्त वह अपनी किरणों को फैलाता है। इनके तीन पादक्रम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तीन डगों के द्वारा वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। यह द्यू स्थानीय देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम विष्णु के प्रथम मंत्र को पढ़ते हैं। विष्णुः नूकं वीर्याणि प्रवोचम् यः पार्थिवानि विममे रजांसि यु अस्कभायत उत्तरं सधस्तम् विचक्रमाणः त्रेधा पुरुगायः। यहाँ ऋषि दीर्घतमा ने विष्णु देवता के वीर कार्यों का, वीरतापूर्ण कार्यों का विवेचन किया है, उनके पराक्रम का उल्लेख किया है। ऋषि दीर्घतमा कहते हैं विष्णुः, मैं विष्णु देवता के वीर्याणि वीर कर्मों को नूकम, नूकम अव्यय है, इसका तात्पर्य है अति शीघ्र ही, शीघ्रतापूर्वक अति शीघ्र प्रवोचम, प्रवोचम वर्णन करता हूँ। तो मैं विष्णु देवता के वीर कर्मों का नूकम शीघ्रता से प्रवोचम उनको कहता हूँ, उनका वर्णन करता हूँ। त्रेधा विचक्रमाणः, तीन प्रकार से विचक्रमाणः संचरण करते हुए, पादन्यास करते हुए, डग भरते हुए, यह जिस विष्णु ने पार्थिवानी पृथ्वी आदि रजांसी लोकों को विम में बनाया है। तो तीन प्रकार से पादक्रम करते हुए, पादन्यास करते हुए जिस विष्णु ने पार्थिवानी पृथ्वी आदि तीन लोकों का निर्माण किया है। उरुगायह विशाल गति वाले या बहुत सारे लोगों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले जिस विष्णु ने उत्तरम सदस्तम, उत्तरम उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर ऊपर वाले सदस्तम लोक समूह को अस्कभायत, अस्कभायत सुस्थिर किया है, उत्तरोत्तर ऊपर ऊंचे लोकों का जिसने, ऊंचे लोक समूह का जिसने निर्माण किया है। यहाँ पार्थिवानी से तात्पर्य ऋषि का यह है कि पृथ्वी संबंधी लोक, अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक का विष्णु ने निर्माण किया है, विष्णु ने उन्हें बनाया है। या पृथ्वी संबंधी अग्नि लोक, वायु लोक, आदित्य लोक आदि का विष्णु ने निर्माण किया है, विष्णु ने उन लोकों को बनाया है। यही इसके वीरतापूर्ण कार्य है। और उरुगाया का भी दो अर्थियां किए गए हैं। उरुगाया का अर्थ है विशाल गति वाला, अर्थात कण कण में विष्णु की सत्ता व्याप्त है। क्योंकि विष्णु सभी लोगों को बनाता है, सभी लोगों का निर्माता है, इसलिए सर्वत्र उसकी व्यापकता है, सर्वव्यापक रूप में इसे बताया गया है। और साथ ही बहुत से सभी लोगों के प्राणी जिसकी स्तुति करते हैं,
तो विशाल कीर्ति वाला बहु प्रशंसित विष्णु को बताया गया है। ऐसे ही विष्णु शब्द विष प्लस नु से बना है। विषर्णी व्याप्तों से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, अर्थात सर्वव्यापक सूर्य के रूप में यह अपनी किरणों को तीनों लोकों में फैलाता है। तीनों लोकों में अपनी किरणों के माध्यम से यह व्याप्त रहता है, सर्वत्र यह प्रकाश का संचार करता है और तीन प्रकार से पादन्यास करते हुए तीनों लोकों को इसने बनाया। यहाँ हमें पुराणिक काल में वामन अवतार जो बताया गया है उसकी भावना का मूल रूप इस मंत्र में मिलता है। साथ ही उत्तरम सदस्तम जो कहा गया, उत्तरोत्तर ऊंचे लोगों का इसने निर्माण किया, ऊंचे लोगों को इसने सुस्थिर किया है। तो ये ऊपर वाले जो लोग है भू भुवा स्व मह जन तप और सत्यम, इन ऊपर के लोगों को भी विष्णु ने ही बनाया है। तो यहाँ विष्णु की सर्वव्यापकता समस्त लोगों के निर्माता के रूप में विष्णु का प्रतिपादन किया गया है। रजांसी से तात्पर्य यहाँ लोक है। विमे के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने विमे का अर्थ किया है नापना, अर्थात विष्णु ने समस्त लोगों को नाप लिया है। अब दूसरे मंत्र का अनुवाद इस प्रकार है, प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचिरो किरेष्ठाः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। दूसरे मंत्र में ऋषि ने सिंह के समान विष्णु देवता को पराक्रमशाली बताते हुए उनकी महत्ता को उजागर किया है। तद विष्णु पूर्वोक्त मंत्र में बताया गया अपने वीरता पूर्ण कार्यों से प्रसिद्ध और समस्त लोकों के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध तद विष्णु वह विष्णु वीरेण वीर कर्मों के द्वारा प्रस्तवते स्तुति किया जाता है और वह विष्णु भीमः कुचरो गिरिष्ठः, भीमः भयंकर स्वरूप वाले, कुचरः कुत्सित हिंसा आदि कार्यों को करने वाले, गिरिष्ठा पर्वत में निवास करने वाले, मृगः अर्थात सिंह के समान है। जैसे भयंकर सिंह हिंसा आदि कार्यों को करता है, अपने शिकार को करता है और गिरिष्ठा पर्वतों में विचरण करता है, वैसे ही विष्णु देवता भी भीमः अपने शत्रुओं के लिए, भीम का अर्थ यहाँ होगा भय उत्पन्न करने वाले हैं, और कुचरः, कुचरः का अर्थ यहाँ सायण ने किया है सर्वत्र इनकी सत्ता व्याप्त है, सर्वत्र निवास करने वाले समस्त लोगों में जिनकी सत्ता व्याप्त है। और गिरिष्ठा का भी अर्थ होगा, गिरिष्ठा अर्थात पर्वत के समान उन्नत प्रदेशों में रहने वाले हैं, अर्थात मंत्र रूप वाणी में ये निवास करने वाले हैं। विष्णु का लोक सत्यलोक बताया गया है, इसलिए कहा है पर्वत के समान उन्नत स्थलों में रहने वाले। तो ऐसे विष्णु को भी पराक्रमी सिंह के समान ही पराक्रमशाली और वीर बताया गया है। यस्य पुरुषु त्रिषु, जिसके पुरुषु विशाल त्रिषु तीन विक्रमणेषु, विक्रमणेषु पादक्रमों में, पादन्यासों में, अर्थात जिसके विशाल तीन डगों में भुवनानी विश्वा, विश्वानी भुवनानी, विश्वा भुवनानी, विश्वा अर्थात समस्त, भुवन अर्थात लोक, अधिशियन्ति आश्रय लेकर रहते हैं। तो जिस विष्णु के तीन विशाल पादक्रमों में सारे प्राणी समस्त लोक अधिशियन्ति निवास करते हैं। तो यहाँ विष्णु की वीरता को प्रतिपादित करते हुए सिंह के समान उसे अत्यंत ही पराक्रमशाली बताया गया है। विष्णु के पराक्रम और वीरता के समक्ष शत्रु भी भयभीत हो जाते हैं। साथ ही विष्णु के तीन पादक्रमों में, तीन डगों में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है, लोक के सभी प्राणी निवास करते हैं, अर्थात सारे ही लोक
इस विष्णु के तीन दगों में निवास करते हैं। इसका अभिप्राय यह भी है कि विष्णु सूर्य के रूप में प्रतिपादित किया गया है और विष्णु की किरणें सर्वत्र सभी लोकों में फैलती है और पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक ही विष्णु के कदम बताए गए हैं। तीनों लोकों का विष्णु ने ही निर्माण किया है, उदय, मध्यान और अस्त सूर्य के रूप में। इस प्रकार ये तीनों डग भी विष्णु के बताए गए हैं। यहाँ विष्णु के वामन अवतार और साथ ही निस्सृह अवतार की भावना का भी मूल रूप हमें दिखाई देता है। ये दोनों ही विष्णु के अवतार हमें पुराणों में मिलते हैं, पुराणों में इनकी कथाएं हमें प्राप्त होती है। यहाँ न निषेधवाचक न होकर उपमावाचक है और उपमा अलंकार इस मंत्र में है। साथ ही प्र इस्तवते उपसर्ग और इस्तवते क्रिया के बीच में अन्य पद आया है, ये भी वैदिक संस्कृत की विशेषता है और विश्वा भी वैदिक प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में विश्वानी रूप बनता है। मृग शब्द पर भी हम टिप्पणी कर सकते हैं। मृग का प्राचीन अर्थ पशु था और सिंह के रूप में भी यह प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार से विष्णु की महत्ता को बताते हुए इस मंत्र में विष्णु के पराक्रम, उसके लोक निर्माता रूप का कवि ने सुंदर चित्रण किया है। सभी लोकों के आश्रयदाता और सभी लोगों के रक्षक के रूप में इस मंत्र में विष्णु देवता का विवेचन किया गया है। अब तीसरा मंत्र इस प्रकार है, प्र विष्णवे शूषम एतु मन्म गिरीशित उरुगायाय वृष्णे य इदम दीर्घम प्रयतम सदस्थम एको विममे त्रिभिः इत्पदेभिः। यहाँ विष्णु की विशेषताओं को बताया गया है कि विष्णु केवल लोक का निर्माता ही नहीं है, वह लोक का रक्षक भी है। अपनी स्तुति करने वाले उपासकों की कामनाओं को भी वह पूर्ण करता है। तो गिरीशितः पर्वत के समान ऊंचे प्रदेशों में, उन्नत प्रदेशों में रहने वाले अथवा गिरी में अर्थात वाणी में निवास करने वाले, मंत्र रूप वाणी में रहने वाले, निवास करने वाले उरुगायाय मतलब बहुतों के द्वारा कीर्ति या यशोगान करने वाले, बहुतों के द्वारा स्तुति करने वाले अथवा विशाल गतिशील, सर्वत्र जिसकी गति है, ऐसे वृष्णे कामनाओं की वर्षा करने वाले, इच्छाओं की वर्षा करने वाले और शूषम मन्म प्र एतु, शूषम से तात्पर्य है बलवान, बलवती, बल से युक्त मन्म स्तोत्र प्र एतु पहुँचे विष्णवे विष्णु के लिए। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि विष्णवे विष्णु देवता के लिए, जो विष्णु देवता उरुगायाय विशाल यश वाले हैं, विशाल कीर्ति वाले हैं, बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले हैं या सर्वत्र व्याप्त सत्ता वाले हैं और गिरीशिता पर्वत के समान ऊंचे प्रदेश या सत्यलोक में या द्युलोक में निवास करने वाले हैं या वाणी में निवास करने वाले हैं, विष्णु अपने उपासकों के लिए काम वर्षी है, ऐसे विष्णु के लिए शूषम मन्म बलयुक्त स्तोत्र या प्रार्थनाएं प्र एतु प्रकृष्ट रूप से पहुँचे। यह जिस विष्णु ने अकेले ही त्रिभिः पदेभिः तीन डगों के द्वारा, तीन पादों के द्वारा इदम दीर्घम प्रयतम सदस्तम विममे, इदम इस दीर्घम दीर्घ विशाल प्रयतम नियमों से अबधिक निश्चित सदस्तम लोक समूह को, तीनों लोकों के समूह को, द्युलोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों के समूह को जिसने विम में बनाया है। तो यहाँ भी विष्णु की महत्ता को उजागर करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि विष्णु देवता ने अकेले ही, अकेले के बल पर ही अपने तीनों
पादों से, तीनों कदमों से तीन लोकों का निर्माण किया है और तीनों लोकों को सुस्थिर, सुव्यवस्थित और नियमबद्ध किया है। तो उनकी बलवान स्वरूप का, उनके शक्तिशाली स्वरूप का, उनके निर्माता स्वरूप का और उनके तीनों ढगों की विशेषताओं का भी यहाँ ऋषि ने चित्रण किया है। यहाँ गिरीशित, उरुगाय, वृष्णे, ये तीनों ही विष्णु के प्रमुख और प्रधान विशेषण हैं। साथ ही तीनों पाद क्रमों से तीनों लोकों को उन्होंने बनाया है। तो यहाँ भी पुराणों में वर्णित वामन अवतार की भावना का मूल हमें दिखाई देता है। साथ ही पदेभिः वैदिक प्रयोग है, तृतीया बहुवचन का रूप है, लौकिक संस्कृत में पदेह रूप बनता है। तीनों लोकों को बनाया है इस रूप में। तो सूर्य के रूप में विष्णु ने अपनी किरणों को तीनों लोकों में फैलाया, इस प्रकार से भी अर्थ किया जाता है। साथ ही विष्णु पर हम टिप्पणी पूर्वत ही करेंगे, विशर्ली व्याप्तों से विष्णु शब्द बना है, वह सर्वव्यापक है, सभी लोकों में इसकी सत्ता है, कण कण में इसकी सत्ता व्याप्त है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।